धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, मैं झारखंड क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ के जमीन के मामले बहुत सारे लोगों के जनजीवन को प्रभावित करते हैं और ये जनजीवन में अधिकांश लोग आदिवासी लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं। और जब इनके जनजीवन को कोई प्रश्न छूता है तो वो इस मामले में बहुत भावुक भी हो जाते हैं और कभी कभी उग्र भी हो जाते हैं। महोदय, झारखंड की धरती में काफ़ी संपत्ति छुपी हुई है और यदा कदा हम आवश्यकता महसूस करते हैं कि देश के हित में उन संपत्ति के दोहन की आवश्यकता होती है, तब उस ज़मीनों को हम लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कल कारखाने के लिए हो और भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो या फिर मिनरल्स के लिए हो। जब और इसका इतिहास रहा है कि लोगों ने अपना हृदय खोल करके काफ़ी समर्थन दिया है, लेकिन फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं हुई और सरकार के लिए भी बहुत सारी परेशानी खड़ी हुई है। और इसमें कई विवाद हुए, कई हिंसक घटनाएं भी हुई और ये भी एक तथ्य है कि बहुत सारे विकास के काम इन विवादों के कारण रुके। तो ये कानून एक ऐसा कानून था जो कि 1952 में बना और उस समय की स्थिति कुछ और थी, आज की स्थिति राजनीतिक, सामाजिक और परिस्थितियाँ भी बदली है, सारे विश्व की बदली है, लोग अधिक जागरूक हुए हैं, मीडिया सशक्त हुई है, संचार के पैमाने बहुत सारे बदल गए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जब इतने बदलाव हुए हैं तो कोई कारण नहीं कि एक्विजिशन और अधिग्रहण के कानूनों में कोई बदलाव नहीं हो, इसमें संशोधन क्यों नहीं हो। महोदय, जब ये 52 में कानून बना तो केंद्र ने अधिग्रहण के लिए यदि सार्वजनिक उद्देश्य हो केंद्र का तो वो अधिग्रहित कर सकते थे। और इसमें एक अच्छी बात ये थी कि वो उद्देश्य जब पूरा हो जाए तो उस संपत्ति को अच्छी स्थिति में, मैं रिपीट करना चाहूँगा, अच्छी स्थिति में वापस करने का भी प्रावधान था, तो एक तसल्ली होती थी। लेकिन समयांतर में कुछ ऐसा हुआ कि अच्छी स्थिति में वापस करने में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हुई और ये वापस करना काफ़ी नामुमकिन सा लगने लगा। यदि वापस नहीं करें तो कुछ स्थितियों में वो उसको अर्जित कर सकते थे और एक्वायर कर सकते थे, ऐसा प्रावधान था। तो जब वो कब कर सकते थे, जबकि उसमें कोई निर्माण हो और वो निर्माण का उपयोग हो रहा हो और उसे वापस देने की स्थिति में वो नहीं हो, या फिर वो स्थिति ऐसी हो जबकि मूल स्थिति में लाने की कीमत, अच्छी स्थिति में लाने की कीमत बहुत ज़्यादा हो और उसको वो काफ़ी बदलाव नहीं कर सके। महोदय, इसमें अब इस बिल की विशेषता ये है कि जो कि लोकसभा में 18 जुलाई 2017 को पेश किया गया था कि ये पूर्व प्रभाव से लागू होगा। ये पूर्व प्रभाव से लागू करने का प्रावधान इसलिए किया गया है कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं और बहुत सारे लोग, सरकार साथ साथ जनता दोनों के बीच में काफ़ी रस्साकसी चल रही है, बहुत सारे विकास के काम रुके पड़े हैं, सार्वजनिक काम रुके पड़े हैं, तो इसको निपटाने के लिए भी ये पूर्व प्रभाव से लागू होगा। और अब इसमें एक और विशेषता दी गई है कि पहले कभी एक्वायर हुआ, अधिग्रहण हुआ तो उस समय एक नोटिस दिया गया, उसके बाद में एक्वायर किया गया, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि विवाद चलता रहा और जब इसको फिर से निपटाना हो तो इसलिए इसमें प्रावधान किया गया कि इस पर दोबारा उसको नोटिस देना पड़ेगा, ताकि एक पीढ़ियां गुजर गई जब ओरिजिनल ओनर्स हैव डाइड एंड द न्यू जनरेशन हैव बिकम ओनर्स, तो हाउ टू एड्रेस देयर कंसर्न, बिकॉज टुडे दे आर द पीपल ऑन द फ्रंट।
सो उनको भी सुनने का एक मौका देने के लिए अगेन द नोटिस विल बी गिवन एंड अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन सो दैट दे कैन ऑल्सो प्लेस देयर व्यू टू द एक्वायरर दैट इज द गवर्नमेंट. अब इसमें लेकिन ये भी प्रावधान किया गया कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे केसों में जहां 10, 20, 50 साल पहले ज़मीन ले लिया गया था और कंपनसेशन भी पीपल हैव टेकन द कंपनसेशन, नाउ द रेट्स हैव गॉन अप, नाउ कंपनसेशन पॉलिसीज हैव चेंज, नाउ मेनी पीपल वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड दे वांट टू गो बैक एंड क्लेम एट द ओल्ड रेट इज़ नॉट सफिशियंट. सो फॉर दैट ऑल्सो इट वॉज प्रोवाइडेड, इट इज़ प्रोवाइडेड कि दैट दे कांट गेट द रिविजन और रिवाइज कंसिडरेशन इफ दे हैव टेकन द कंपनसेशन एंड एक्सेप्टेड द सेम. सर दिस इज वन मोर गुड प्रोविजन हैज बीन मेड दैट सी मेनी टाइम्स द मनी वॉज बींग डिपॉजिटेड विद दैट गवर्नमेंट ट्रेजरी बट देर वॉज नो इंटरेस्ट पेएबल एंड दैट मनी वॉज नॉट ग्रोइंग दो द वैल्यू ऑफ द लैंड वॉज ग्रोइंग. सो वेरी गुड प्रोविजन हैज बीन मेड दैट द इंटरेस्ट एट द रेट वॉट स्टेट बैंक इज पेइंग ऑन फिक्स डिपॉजिट विल बी पेड. एंड इंसिडेंटली सर जस्ट नाउ वी हैव पास्ड ए बिल ऑन द स्टेट बैंक and let me also share with my colleagues that State Bank is one of the bank which gives one of the best rates on the fixed deposit. So that rate has been provided, that rates will be given as per the State Bank, so that if the there is a dispute, money lies with the government and the treasury, there is no stoppage of the growth of the money. Sir, isme ye bhi kehta hai ki ये बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा अगर उसको नोटिस दोबारा दी जाती है. इन अदर वर्ड्स कि इन केस द मैटर वाज नॉट क्लोज्ड सो दिस विल बी रीकंसिडर्ड री नोटिस एंड द वॉट एवर द करेंट पॉलिसीज अकॉर्डिंगली प्रोवाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द इंक्रीज इन्हांस्ड कंपनसेशन विल बी गिवन एंड ऑल्सो फॉर इफ़ इट इज़ टेकन फॉर द राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा के लिए लिया गया तब भी दोबारा लिया जाएगा. महोदय इसमें और भी बहुत सारे प्रावधान हैं विच आई फील वॉज नीडेड बैडली एंड दिस गवर्नमेंट हैज़ कम आउट एट द राइट टाइम टू एड्रेस दीज इशूज बिकॉज दिस हैज़ बिकम ए बिग इशू फॉर एक्विजिशन ऑफ द लैंड फॉर पब्लिक पर्पसेज. थैंक यू सर.